तो मेरे और मेरे पलटन की तरफ से सबको गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 11 और सीन कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ एक कहानी बताने आया हूँ, और कहानी ना तो ये बाइक का है ना तो ये पंप वाले चचा का। कहानी है तो इस लड़के की, जो खुद पे किया भरोसा और उसी भरोसे को खुद के आगे भरोसा कि लड़के निकल। और जो बनाना है बना, बाकी तुम्हारा पब्लिक हक से हट संभाल लेगी, ठीक है? क्योंकि भैया आसान चीज तो आपको लिमिट में ही देगी, लेकिन लड़के हमें तो लिमिट से आगे निकलना है। खैर अभी कहानी पे आते हैं भाई साहब, ठीक है? तो जिस किसी ने यूनिवर्सिटी वाला ब्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि वहां जाने के 3 रास्ते हैं। फर्स्ट बाइक, सेकेंड बस, और थर्ड ट्रेन। तो भैया हम ट्रेन से, रुको जरा सबर करो, कहाँ ट्रेन? तो भैया ट्रेन से गए थे, मैं थे बोल रहा हूँ, लेकिन भाई इस बार बाइक से जाएंगे। अभी कुछ लोग बोलेंगे ठंडा और बाइक, तो मैं उन लोग को एक ही लाइन बोलूँगा कि हम राइडर लोग हैं बाबू, हम लोग रोड और बाइक पे मरते हैं, सिमरन पे नहीं। क्योंकि ट्रेन और सिमरन, बाकी अपना पब्लिक हक से मजबूत तो समझ गया होगा, ठीक है? तो अभी RPM ऊपर कर लें। हाँ भैया, तो बाइक बहुत भगा ली, ठीक है? लेकिन अभी सीन ये है कि अभी जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए अभी भी 2 किलोमीटर रह रहे हैं, ठीक है? लेकिन मुश्किल किलोमीटर नहीं है भाई साहब, मुश्किल तो रोड है, ठीक है? तो वो देखे आप। तो भाई आपको रोड का हाल देखकर लगता है कि आपके भाई इसमें उड़ सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, लड़का मजबूत है, ठीक है? उड़ेगा जरूर, लेकिन तमीज में, ठीक है? बाकी आपको जगह पे मिलता है, ठीक है भैया? हाँ भैया, तो हम जा रहे थे कुंडलपुर, और शायद से ये जगह के बारे में कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं। तो जो लोग नहीं जानते उनके लिए हम है भाई साहब, हम काहे को हैं। तो अंदर चलते हैं और अंदर का गेम्स चेक करते हैं, ठीक है? तो चलते हैं। लेकिन भाई गेम्स तो देखेंगे ही, लेकिन यह जगह कोई आम जगह है नहीं, इसका एक हिस्ट्री है, इसका एक कहानी है। तो अगर कोई कहानी सुनने में इंटरेस्ट रखता है तो आप जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहें, और जिसे हिस्ट्री सुनने में नींद आता है वो स्किप कर लें, ठीक है भैया? हिस्ट्री ये है कि कुंडलपुर बिहार के नालंदा जिला में है, और यह पटना से 100 किलोमीटर के दूरी पे है। कुंडलपुर नालंदा स्टेशन से 3 किलोमीटर के दूरी पे है, और कुंडलपुर में ही भगवान महावीर का जन्म हुआ था। तो कुंडलपुर जैन धर्म के मान्यता अनुसार वो जगह है जहाँ 2630 साल पहले भगवान महावीर का जन्म हुआ था, और यहाँ लोग नेपाल, कुवैत, भूटान, जापान से लोग घूमने आते हैं। तो क्या कहोगे, अपना इंडिया को नॉट कमिंग स्लो बोलोगे या नहीं बोलोगे? मैं तो बोलूंगा भाई सब, ठीक है? तो Thank you.
भाई साहब गेट से एंटर करने के बाद सबसे पहला चीज जो करना होता है वो जूता उतारना होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक मंदिर है, लॉर्ड महावीर का मंदिर है, ठीक है। बाकी आपको दिखाते हैं भाई साहब, आप ऐसे दिल पे मत लीजिए, आपका भाई है ना, तो चेक करें आप, ठीक है। भैया यहाँ मेनली 5 मंदिर, करेक्शन, मैंने जो 5 मंदिर बोला था तो वहाँ बस 4 मंदिर थे, लेकिन बाहर से दिखने में सब मंदिर ही लग रहे थे, ठीक है, लेकिन एक जो था वो म्यूजियम था, लेकिन बाहर से मंदिर लग रहा था, तो अपन ने 5 बोल दिया, ठीक है, बाकी वो एक म्यूजियम था और उसका टिकट लगता था भाई साहब, ठीक है, आगे आएगा, आप चेक करें, ठीक है। 5 मंदिर, ये किधर हुआ, एक मेरे पीछे, एक राइट साइड मेरे पीछे, ये है जो ये मेन है, ठीक है, एक वहाँ पे हुआ और एक, बट भैया ऐसा देखकर कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप भाई के नज़र से देखें, ठीक है, हम दिखाएंगे आपको, ओके, तो चेक करें आप। तो भाई पीछे जो ये देख रहे हैं ये है यहाँ का मेन मंदिर, मेन अट्रैक्शन, ठीक है, बाकी 4 और है, बट पहले ये देख लें तो बाकी और भी देख लेंगे, ओके, तो देखते हैं भाई। तो लड़के मेन मंदिर तो देख लिया और यहाँ का जो वाइब है, जो सुकून है ना बॉस, वो ऐसे बता नहीं सकते, ठीक है, आप लोग यहाँ आओ और खुद देखो, खुद चेक करो, ठीक है। बाकी अभी टाइम बहुत हो रहा है तो 4 मंदिर और जो बच रहे हैं उन्हें भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, मतलब बात कम और विजुअल ज़्यादा, खैर जिसको पता है उसको पता है, ठीक है, तो चेक करते हैं। ये है यहाँ का दूसरा मंदिर, ठीक है, और यहाँ जो ऊपर का स्ट्रक्चर है सारा में सेम ही है, ठीक है, और ये है हमारे लॉर्ड महावीर। तो भाई साहब पीछे जो है ये है यहाँ का तीसरा मंदिर, लेकिन ये अभी बंद हो चुका क्योंकि लड़के टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है, लेकिन आप बाहर का भी हम चेक कर सकते हैं, वो नॉट कमिंग स्लो टाइप आपको वाइब दे ही देगा, ठीक है, तो आप चेक करें एक बार। तो लड़के अभी 4 बज चुका है और आप लोग देख सकते हो यह फुल जगह फुल खाली हो चुका है, ठीक है, तो अभी टाइम है नहीं तो 4th मंदिर भी देख लेते हैं, ठीक है, तो चेक करें आप। और जो पीछे जो आप देख रहे हैं ये म्यूजियम है और यहाँ टिकट लगते हैं, बाकी जितना सारा मंदिर है वो फ्री है, ठीक है, वहाँ फ्री विजिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ टिकट लगता है भाई साहब, मैंने टिकट भी लिया, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। भैया ये म्यूजियम का टॉप फ्लोर और यहाँ 3 स्टैचू है, ठीक है, तो वो चेक करें आप, बाकी भैया पैसे पूरे कर रहे हैं, ठीक है, तो आप स्टैचू चेक करें, तो ये है वो 3 स्टैचू, 1st भगवान चंद्र प्रभुनाथ, 2nd भगवान शांतिनाथ, 3rd भगवान पार्श्वनाथ, ठीक है,
और भैया टॉप फ्लोर का गेम्स पैसे पूरे करे, लाइक लिटरली नॉट कमिंग स्लो। तो भैया ये था कुंडलपुर का एक्सपीरियंस, बाकी कोशिश के ही पैसे हैं और कोशिश हमने पूरा किया है, ठीक है? तो देखिएगा बताइएगा। भाई एक अपनापन वाला बात बताऊं, एकदम भाईचारा वाला, ठीक है? तो आपके पापा जी बोलते होंगे या दादाजी बोलते होंगे, खैर मेरे नाना जी बोलते हैं, ठीक है? और सीन ये है कि आपके पापा या दादा बोलते होंगे कि भाई सफलता ऐसा नहीं मिलता, ठीक है, उसके लिए तपस्या करना पड़ता है। तो भैया हम भाई लोग हम साथ साथ में सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ सीढ़ी भी है और ऊपर सफलता भी, ठीक है? तो चलते हैं। हाँ भैया तो बोलो कैसा दिया, हटा ले हो गया।